हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है अमन और मैं एक हूँ मरीन सर्वेयर ऑस्ट्रेलिया में। जहाँ हंड्रेड ऑफ सी फेयरर्स देश विदेश में घूम रहे हैं, वहीं अपने ही कई भाई जो हजारों की गिनती में कई फंसे हुए हैं इराक में, ईरान में, दुबई में, क्यों फंसे हुए हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। सो इसके बारे में ही आज मेरी ये वीडियो रहेगी एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उन लोगों को जरूर ये वीडियो जरूर सेंड करना जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो एजेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं नए नए बच्चों के साथ। सो कुछ टाइम पहले जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, कई लोगों के मैसेज आए। अब तो लाइक एवरी टेंथ मैसेज एक बंदे का आया होता कि सर मैं ओपन सी डी सी है मेरे पास, या फिर सर मेरे पास एजेंसी थी, मैंने किसी को अप्रोच किया था बट उन्होंने मुझे फ्रॉड किया, मैं क्या करूं, मेरी एज ये है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, एक बेसिक प्रोसीजर होता है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, आप वही प्रोसीजर फॉलो कीजिए जो सदियों से चला आ रहा है। शॉर्टकट मत जाइए, ठीक है ना। शॉर्टकट करने से आपका टाइम नहीं बचेगा, आपका अच्छा स्कोप नहीं होगा ना, अच्छी जगह पर नहीं जाओगे। शॉर्टकट इज नॉट द एंड, ठीक है। शॉर्टकट करने से कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। पीछे कुछ टाइम पहले मेरे एक फॉलोअर का मैसेज आया था, मैं नाम नहीं लूंगा ना एजेंसी का नाम लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें उसकी रेपुटेशन खराब होती है, ठीक है, कुछ चीज़ें कंफ्लिक्ट करती हैं। तो उन्होंने ये बोला कि एजेंसी ने, जब मैं वो कोर्स करने आया था तो उनकी किसी कॉलेज वालों ने बोला कि भाई आप ये छोटा कोर्स कर लो, ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड कोर्स है, 4 महीने का स्कोप अच्छा है। वो बंदा DNS करने जा रहा था तो उनकी कॉलेज के डायरेक्टर ने बोला, जो हेड है किसने बोला मुझे नहीं पता। तो पहले फीस उस बंदे ने उसको कोर्स करने के लिए पैसे दिए, फिर एजेंसी फीस ले गई शिप ज्वाइन करने के लिए, जो उनको बोला गया कि एक टैंकर या फिर बल्क कैरियर हम आपको ज्वाइन कराएंगे। बट ऐसा नहीं होता, आपको एक इराकी शिप पे, एक ईरानी शिप पे, ठीक है ना, या फिर एक अफगानी शिप पे आपको भेज देंगे जहाँ पे क्रू ऐसा होगा कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पहले क्वेश्चन मेरे उन लोगों का कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपने अपनी मतलब जमीर, अपने एक भगवान से डरना भूल गए आप लोग। एक पर्सन की हार्ड अर्न मनी होती है ना, जो बंदा मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा है या फिर नहीं भी कर रहा, कोई बंदा है जो 5 लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, उसकी हार्ड अर्न मनी होती है। उसकी फैमिली कहाँ कहाँ से पैसे जुटाए होंगे उस बंदे ने। स्पेशली ये धोखा हो रहा है उन लोगों के साथ जो गाँव वगैरह से है, जिनको ज़्यादा नहीं पता, वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं वीडियोज देख कर कि मर्चेंट नेवी इतना पैसा है, मैं ये करूँगा, अपनी फैमिली को सुधार लूंगा। यस, उनकी ड्रीम अच्छे हैं कि अपनी फैमिली को मैं सुधार लूंगा, एक अच्छी लाइफ दूंगा अपनी फैमिली को। बट जो बीच वाले लोग होते हैं ना, कि सिर्फ जस्ट फॉर सेक ऑफ मनी, उसकी मनी गई, ठीक है, उसका करियर गया, वो कहाँ जाए, वो किसको बात करे, कोई इसमें हेल्प नहीं करेगा, कोई कंपनी उसको नहीं लेगी, आपके पास ओपन सी डी सी है, या फिर देखो मेरा आपको यही चीज है, शॉर्टकट मत जाओ। अगर आप ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड कोर्स करना चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया में आके करो, यूके रजिस्टर्ड कोर्स करना चाहते हो तो यूके में जाके करो, सिंगापुर रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो सिंगापुर में जाके करो, इंडिया में बैठकर ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड कोर्स या फिर इंडिया में बैठकर यूके रजिस्टर्ड कोर्स मत कीजिए। इसमें आप फंसोगे, वो आपको बोलेंगे छोटा टाइम है, जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, एक बेसिक प्रोसीजर लाइफ में, यही एक चीज मान लो, एक बेसिक प्रोसीजर है जो सदियों से चला आ रहा है, उसको ही फॉलो कीजिए, वही एक तरीका है। अदरवाइज आप अपनी लाइफ, अपने पैसे, अपना टाइम, अपना करियर सब कुछ दांव पे लगा के सब कुछ खराब कर लोगे। एंड यस, एजेंसी का नाम मैं धीरे, हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, आने वाले टाइम पर हमारे पास कोई प्रूफ होगा, एक अच्छा प्रूफ होगा। यस, एक और चीज़ आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले एक और बंदे का मैसेज आया था, उसका किसी फैमिली में एक बंदे का सा फ्रॉड हुआ। ये लोग क्या करते हैं, बहुत इंस्टीट्यूट हैं, वो एक आपने सुना होगा डीजी शिपिंग का एक RPSL नंबर होता है, ठीक है, वो RPSL नंबर इज फॉर इक्विपमेंट, वो रिक्रूट करती है, वो कोई कॉलेज नहीं खोल सकती, बट इन्होंने एक कॉलेज के लिए एक कॉलेज का इंडोर्स नंबर होता है, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है, डीजी शिपिंग के साइड पे जाइए, देखिए वो कॉलेज वहाँ पर रजिस्टर्ड है नहीं है, उनसे बात कीजिए, ठीक है, अदरवाइज आपके लिए बहुत पंगा हो जाएगा, आप पैसे अपने खराब कर लोगे। हाँ, उस बंदे की बात कर रहा था, वो बंदा मैसेज आया, उसके एक नीस ने पैसे दिए, वो आपको पूरा फंसाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको ऑफर लेटर देंगे, ठीक है ना, वो बोलेंगे आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं, वो आपको एंड डे सिलेक्ट करेंगे, पैसे लेंगे, आपको कोर्स करवाएंगे, पूरा एक अच्छा फॉर्म होगा, मैं नीचे भी डाल दूंगा,
ठीक है, आप देखिए कैसा होता है। तो वो आपसे फॉर्म वगैरह लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, आप कोर्स वगैरह कर लोगे, आपकी कोई कंपनी अप्रोच नहीं करेगी, कंपनी में आपका ज्वाइनिंग नहीं होगी, आप अपने पैसे खराब कर लोगे 5-6 लाख रुपए, ठीक है। फिर वो बोलेंगे हाँ हमारी एक एजेंसी है, वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए, वहां जाके देखिए। तो गाइज प्लीज इस ट्रैप में मत फंसिए। बहुत आजकल लोग, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो गाँव से उठ के आ रहे हैं, शहर से भी हैं, इनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो आप प्लीज एक बेसिक प्रोसीजर है, गूगल पे प्रोसीजर सर्च कीजिए, डीजीसीएम की साइट पे जाइए, ठीक है ना, वहां पे आपको पूरा प्रोसीजर दिया होता है कैसे अप्रोच करना है। नहीं तो बहुत लोग हैं जो अच्छे लोग हैं जो प्रोसीजर डाल रहे हैं, मेरे लिए वीडियो देखोगे तो वहां पे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। अगर उससे आपके कम मार्क्स हैं सॉरी आपका नहीं होगा। तो गाइस इस ट्रैप में फंसने के कारण अच्छा है आप कुछ और कोर्स ले लो, आप कुछ और कर लो, जरूरी नहीं है आपने मर्चेंटिंग ही करना है। इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे आना इट्स ओके, यहाँ पे सब आना चाहते हैं, बहुत लोग हैं, पैसे बहुत हैं, बट इस ट्रैप में फंसने से अच्छा कोई और कोर्स कर लो, वो आपके लिए अच्छा होगा। एंड प्लीज मेरी वीडियो उन लोगों को तक जरूर पहुंचाओ जो मर्चेंटिंग ज्वाइन करते हैं एंड या फिर जो ज्वाइन करना चाहते हैं और जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप ट्रैप में फंस गए हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, आप वहां से निकलिए, दूसरा कोर्स कीजिए इंस्टेड ऑफ आप और पैसे लगाएं, ठीक है। ये वीडियो जरूर उन तक भी पहुंचाएं जो ये पैसे का मामला, यू नो, पैसे ले रहे हैं, पैसे खा रहे हैं लोगों से। भाई आपने कहीं को जवाब देना है, भगवान को जवाब देना है, किसी को जवाब देना है, वो पैसे आप यूज कर रहे हो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो पैसे बचेंगे नहीं आपको, रियली नहीं बचेंगे, ट्रस्ट में। अगर आप कम कमा लो अच्छा है, इंडिया में बहुत चला है, इंडिया में नहीं बाहर है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि अगर 10 बंदा फ्रॉड भी कर लेगा ना कोई पूछने वाला नहीं है, गवर्नमेंट किसको इसको देखेगी। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मत फंसो, वो विद जो प्रोसीजर है स्लो एंड स्टडी, जल्दबाजी में शिपिंग मत ज्वाइन करो, जल्दबाजी में किसी एजेंसी की ट्रैप में मत फंसो, अदरवाइज आप अपने हार्ड अर्न मनी, हार्ड अर्न पैसा जो है ना वो गवा के बैठ जाओगे। फिर आप घर पे बैठोगे, कंपनी जुड़ोगे ओपन सिटी से लेकर या फिर ऐसे, आपको कोई नहीं अटेंडेंट करेगा, ठीक है। अगर आपने कर लिया है, फंस गए हो, वहां से निकले, दूसरा कोर्स कीजिए, यस इट्स हार्ड, आपने पैसे कर दिए, बट क्या कर सकते हैं, पैसे एक बार गए एक बार गए, तो भगवान देख रहा है, डोंट वरी, शायद आपका स्कोप कहीं और हो, कहीं और आपकी लिखी हो। सो इस ट्रैप में फंसने के कारण अच्छा है आप कोई और कोर्स कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, जरूर इस वीडियो, ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो मर्चेंटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ट्रैप में फंसे हुए हैं। लोग मैंने वीडियो देखे हैं, 100 ऑफ वीडियोज, जो इराक में फंसे हुए हैं, खाना नहीं मिल रहा उनको, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है ना, खाना पानी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, गवर्नमेंट कहाँ है मुझे नहीं पता, डिजी शिपिंग कहाँ है मुझे नहीं पता, ठीक है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। प्लीज आप इस ट्रैप में अगर फंस चुके हो, प्लीज अपनी वॉइस उठाओ, ठीक है, कि जो एजेंसी आपको फंसा रही है गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, शेयर सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग, ऐसी अच्छी वीडियोस जो ट्रस्टवर्दी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू।